दोस्तों आज का हमारा वीडियो एक स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो दरअसल एक कोलैबोरेशन है भूतियापा चैनल के साथ। अगर आपको एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके चैनल का लिंक मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो एनिमेट ही करी है भूतियापा चैनल से सूरज जी ने। तो चलिए दोस्तों अब आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम युवराज है और मैं कोलकाता से हूँ। उस दिन मेरा भाई अपने दोस्त के घर गया हुआ था और वहाँ से आते वक्त सुनसान रास्ते से आ रहा था। दरअसल तो हुआ यूँ कि वहाँ पे एक पेड़ की टहनी उसके आते वक्त अचानक से टूट के उसके सामने नीचे गिर गई और ये देखकर वो थोड़ा डर गया और वो ये देख के सीधा घर भाग कर आ गया, ये समझ के कि उस पेड़ पे कोई बैठा था। वैसे भी मेरा भाई थोड़ा डरपोक किस्म का था। फिर जब वो घर आया और ये बात उसने सबको बताई तो सबने उससे कह दिया कि तू बहुत डरपोक है और बात को टाल दिया। और यही बात जब उसने मुझे और हमारी दादी जी को बताई तो दादी जी ने बोला कि इस वक्त यानी कि रात के समय भूत प्रेतों की बात मत किया करो। फिर हमने भाई वाली बात भुला के दादी से पूछा कि दादी आप तो इतनी बूढ़ी हो, आज तक आपने कभी भूत नहीं देखा क्या? दादी जी ने कहा कि रात के वक्त तुम दोनों भूत प्रेत की बात मत किया करो, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है। इसके बाद उन्होंने हमें सोने के लिए कह दिया, लेकिन हमने भी जिद कर दी और बहुत जिद करने के बाद दादी जी ने कहा कि हाँ मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। दरअसल तब मेरी शादी हो चुकी थी लेकिन मैं उस समय सिर्फ 16-17 साल की थी। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उनका काम मैं ही करती थी। और मैं ये बात आपको बता दूं कि दादी उस समय बिहार में रहती थी और शादी के बाद कोलकाता आई जहां हम अभी रह रहे हैं। तो दरअसल हुआ यूँ कि एक रात करीब 3-3:30 बजे दादी उठ के हमारे खेत में पानी छोड़ने चली गई। और जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि गांव के लोग सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, दादी भी थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी और पानी छोड़ने के बाद वो खेत में गाजर तोड़ने लगी। और हमारे खेत के पास में ही एक बड़ा सा नाला था और गाजर तोड़ते वक्त उन्हें उस नाले के पास से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने जब उस तरफ देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, एक सिंपल औरत नहीं, एक ऐसी औरत जिसकी हाइट ही कम से कम 7 फुट थी। दादी ने उससे कहा, आप भी इतनी जल्दी उठ गए हो क्या, आपको भी कुछ काम है यहाँ पे? दादी को लगा कि पास वाले घर की ही आंटी हैं ये, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी पर ये औरत ज़्यादा ही लंबी थी थोड़ी। तो दादी को लगा कि ये आंटी तो नहीं है, तो कौन है फिर? दादी को याद आया कि मैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ के आ गई हूँ, करीब सुबह के 3-3:30 बज रहे हैं। जब तक दादी ये बात सोच रही थी वो औरत नाले की तरफ ही मुँह करके खड़ी हुई थी, मतलब दादी की तरफ पीट करके। और इससे पहले दादी उससे कुछ कहती या करती मेरी दादी जी का पूरा बदन एकदम से अकड़ने लगा। वो एकदम से मानो फ्रीज हो गई थी उसी जगह पे और उन्होंने देखा कि वो औरत अब उनके करीब आ रही है। उसका मुंह तो दादी को नहीं दिख रहा था लेकिन वो उल्टी चालों से ही दादी के करीब आ रही थी। ये देखकर कोई भी इंसान बड़ी ही आराम से डर जाएगा। दादी भी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, वो बस भगवान को याद करने लगी कि तभी अचानक दादी को किसी की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी भी उठ चुकी थी और अब वो उनके पास आ रही थी। दादी जो कि उस वक्त हिल भी नहीं पा रही थी अब वो मानो बिल्कुल अचानक से ठीक हो गई थी और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई थी। वो औरत उनके सामने से एकदम से गायब हो गई, मानो वो वहाँ पर थी ही नहीं। दादी ने ये बात फौरन अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने उल्टा उन्हें ही डांट लगा दी कि कहाँ तू इतनी रात गई, यहाँ पे क्यों आती है खेत में। और उस दिन के बाद से दादी की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। दादी की मम्मी ने ये बात दादी के पापा को बताई और वो सब मंदिर में पंडित जी के पास गए। पंडित जी बहुत ही अच्छे थे और उनके घर में अक्सर पूजा पाठ करने आया करते थे। उन्होंने कहा कि जो इसने देखा है वो एक चुड़ैल थी जो कि इसे मार भी सकती थी अगर उसके हाथ में गाजर तोड़ते समय लोहे की खुरपी ना रहती।
क्योंकि ये सब बलाएं लोहे के सामान से दूर भागती हैं। फिर पंडित जी ने प्रसाद दिया और दादी के हाथ में एक धागा बांध दिया और वो घर आ गई। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। ये बात सुन के मैं और मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा डर गए और फिर घर के बाहर तक जाने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी हमारी। अब हमें भूत प्रेत में विश्वास हो गया था और हमारी अब हिम्मत भी नहीं होती थी कि दादी जी से फिर से कोई भूतिया कहानी सुनने के लिए कहें। ये घटना आज भी जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की स्टोरी, इस बात को हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों, अगर आपको एनिमेटेड हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आपको फिर से याद दिला दूं कि भूतियापा चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप अभी जाइए और उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।